लोग बाहर आपका हारने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को दिल में ये है कि आप कैसे हार जाए, आप कैसे नीचे चले जाए और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ये दुनिया का रीत है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में जितने भी लोग आप देखे होंगे, आप जब ग्रो करेंगे, जब ऊपर जाएंगे, तो लोग आपके ऊपर ये सोचेंगे कि वो मैं उनके साथ सेम नहीं हो सकता हूँ, तो इसके लिए आपको ऊपर हंसते हैं, आपको नीचा दिखने के लिए हंसते हैं। तो आप देखे होंगे यीशु, जो कि जीसस क्रिस्ट, वो कितना अच्छा आदमी थे। वो कोई डाकू नहीं थे, वो कोई चोर नहीं थे और कोई धोखाबाज आदमी नहीं थे। फिर भी जीसस क्रिस्ट को लोग ऊपर जाके टांग दिए और उनको कौन टांगा आपको पता है? जो कि हमारे आपके जैसा आदमी लोग टांग दिए, क्योंकि हम लोग जैसे अच्छा आदमी टांग दिए। इसका मतलब ये होता है कि जीसस का जो नॉलेज था, जो उनके पास ज्ञान था, वो ज्ञान के साथ जो नॉर्मल लोगों का ज्ञान और उनका जो नॉलेज उनके साथ सेम नहीं हो पाया, तो इसके लिए वो आदमी को दुनिया से अलविदा कर दिए। तो आपको पता होगा अरिस्टोटल, आप जो कि एक अरिस्टोटल के बारे में पता होगा, सिक्रेटिस के बारे में आपको पता होगा। सिक्रेटिस जो कि एक आप हिस्ट्री में पढ़ा होंगे कि वो इतना अपना ज़माने में एक बहुत बड़ा टीचर थे और लोगों को फिलोसफी के बारे में बता रहे थे। तो लोगों को चूंका उनका बॉडी में ये सहन नहीं हुआ कि क्यों ये लोगों को अपना यूथ को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनको क्या किए, उनका जहर पिला दिए और उनको ये दुनिया से विदा कर दिए। तो आप देखे होंगे जो भी ग्रो करता है, जो भी ऊपर उठता है, लोग उसको सहन नहीं कर पाते, उसके ऊपर लोग हंसते हैं और उसके ऊपर लोग ताने देते हैं। लोग ये देखते हैं कि हम 20 साल का अपना नौकरी में हम 25 से 30,000 रुपये कमा रहे हैं और 20-25 साल का एक लड़का 1,00,000 कमा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बात मत सुनिए। लोगों कुछ भी बोलते हैं, लोग आगे बोलते हैं, लोग पीछे बोलते हैं। तो आपका जीवन, आपका लाइफ एक टॉर्टिस बना दीजिए। कछुआ के बात बोल रहा हूँ दोस्तों। कछुआ जैसे कि कछुआ को कोई टच कर दिया तो क्या होता है, वो अपना मुंडी को, अपना जो कवर है उसका अंदर ले जाता है। तो आपको ऐसा कोई भी कुछ बोले तो आप उसको आपके ऊपर असर आने नहीं दीजिए। आपका जो गोल है, आपका जो अचीवमेंट है और आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, मैं मोटिवेशनल स्पीकर प्रदीप, मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक मेरा जो था, वो टॉपिक के ऊपर आप जो ग्रो करने का जो प्रोसेस है, आप मत छोड़िए, आप अपना जो कोशिश जारी रखिए। और जैसे कि आपको पता होगा, कोई अंधा का बस्ती में जब तक कोई आँख वाला आदमी नहीं जाए, उनको कुछ तकलीफ नहीं है। अंधा का बस्ती में वो लोग अपना रास्ते में चलते हैं, अपना खाना खाते हैं और वो लाइट देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो ठीक है, मगर उनके साथ में जो कोई अच्छा आँख वाला आदमी चला गया तो उनको तकलीफ है। तो ऐसा दोस्तों, हमारा सोसाइटी में कोई अच्छा करने वाला आदमी आगे आ गया तो उसको क्या होता है, उसको लोग सहन नहीं कर पाते। देखे होंगे आप, जितना बड़ा पेड़ होता है वो पेड़ को पहले काट दिया जाता है। तो आप इन सभी बात से डीमोटिवेट मत होइए और आपका मोटिवेशन को जारी रखिए। और आपका मोटिवेशन को जारी रखने के लिए मैं प्रदीप मोटिवेशनल स्पीकर आपको कभी भी मोटिवेट करता रहूँगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए एक ही शर्त है कि आप मेरा वीडियो देखिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं आपको कभी मोटिवेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताइए। और मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मेरा तरफ से यही है कि आप लोग सभी लोग खुश में रहिए, खुशी बांटते रहिए और मेरा तरफ से ऑल द बेस्ट।